ईद मिलने के बाद अभी हम जा रहे हैं रंबूर, वहाँ पे एक दोस्त ने दावत रखा है, तो आइए चलते हैं। सुभान अल्लज़ी सख़र लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन वइन्ना इला कैलाशा। ज़िला चित्राल की वादी कैलाश में आबाद एक कबीला है। इस इलाके को काफिरिस्तान भी कहा जाता है और यौन से कैलाश गांव का रास्ता फासले के हिसाब से तो ज़्यादा नहीं, लेकिन दुश्वार गुजार होने की वजह से कम 2 घंटे लग जाते हैं। ये एक तंग और मुश्किल रास्ता है। पहाड़ों को कटाई करके बस एक गाड़ी के गुजरने की जगह बनाई गई है। काफ़ी दूर दूर तक क्रॉसिंग की जगह नहीं है। जो गाड़ियां रोज़मर्रा इस रास्ते से गुजरती हैं, इनके ड्राइवर जानते हैं कि सामने से आने वाली गाड़ी को कहां रुककर रास्ता देना है। लेकिन जो लोग पहली दफ़ा या कभी कभार इस रास्ते पर आते हैं, उनको काफ़ी मुश्किल पेश आती है। मुस्कुराते हैं दिल पे जख्म खाते हैं और मुस्कुराते आखिरकार हम रंबूर पहुंच गए। मुनीर चाचा के होटल में गाड़ी पार्क करके कैलाश ग्राम में एक बहुत ही मुअज़्ज़ज़ और मेहमान नवाज मेज़बान के यहाँ मेहमान बन गए। चाय पीने के बाद हमने बकरा ज़बह किया, गोश्त पका कर खाया। जी आपका क्या नाम है? फरियानाज। फरियानाज, फरियानाज आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? नाइन्थ में। तो आपने क्या बनना है पढ़ाई के बाद? मुझे डॉक्टर। हमारे यहाँ का मशहूर खाना की यही लाख छुरो साहब। सुबह सवेरे उठा तो देखा बहुत तेज बारिश हो रही थी, इस वजह से हम सारा दिन कमरे में महसूर होकर रह गए। यहाँ तक कि ग्रूम और बालंगुरु विलेज भी
एक्सप्लोर नहीं कर सके। हमने कहा चलो वो अगले व्लॉग में एक्सप्लोर करेंगे, फ़िलहाल यहाँ से जाना बेहतर होगा क्योंकि बारिश की वजह से यहाँ के रास्ते बंद हो जाते हैं। तो अब हम यहाँ से रवाना हो रहे हैं, तो उन लोगों की हॉस्पिटलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा हम इससे मुतासिर हुए, बहुत ज़्यादा हमारी मेहमान नवाजी की गई। ये इनके ख़ास मेहमानों के गले में डालने के लिए एक ताज़ीम का वो है। हमने बहुत सारी यादों के साथ ठीक है यहाँ से हम रुख्सत हो रहे हैं।